नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 जनवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सिमुतल्ला और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनेगा बिहार में स्कूल। अब निगरानी विभाग के जिम्मे सर्टिफिकेट जांच नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सूची। मनोज वाजपेयी ने बताए अपने एक्टिंग जर्नी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। गृहविहीन पिछड़ों दलितों को सरकार खरीद कर देगी जमीन। पटना सहित 20 जिलों में कोल्ड अलर्ट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इंडियन आर्मी ने 191 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। इंडियन आर्मी ने विभिन्न इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के कुल मिलाकर 191 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस के बारे में समस्त जरूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 9 फरवरी 2023 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। सिमुतल्ला और नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बनेगा बिहार में स्कूल। बिहार सरकार मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार राज्य के सभी जिलों में सिमुतल्ला और जवाहर नवोदय विद्यालय के आधार पर ही इस विद्यालय की भी स्थापना करेगी। प्रस्तावित विद्यालय की योजना पर कहा गया है कि यह आवासीय विद्यालय आश्रम पद्धति पर होगा और शिक्षकों और छात्रों की संख्या अनुपात और समानुपातिक रखी जाएगी। इस आवासीय विद्यालय में छात्रों को इस तरह की सुविधाएं, पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधा के साथ दी जाएंगी। राज्य को मिला मृदा धातुओं का तोहफा। नए साल में बिहार के लोगों को दुर्लभ मृदा धातु की कीमत तोहफा मिलने जा रही है। दुर्लभ मृदा धातु में प्लैटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, निकेल सहित ग्लूकोनोमाइट और क्रोमियम का खनन इसी साल शुरू होगा। इसके लिए 7 ब्लॉक का आवंटन राज्य सरकार को केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है। इसी महीने राज्य मंत्री परिषद की बैठक में भू तत्व विभाग की तरफ से खनन की मंजूरी का प्रस्ताव पेश किया जाना है। बताते चले कि खनिज तत्वों से राज्य सरकार और खनिज एजेंसी को होने वाले आय का दिशा निर्देश भी जारी किया जा चुका है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे दरभंगा का किला के बारे में। दरभंगा का किला दरभंगा जिले का एक मुख्य ऐतिहासिक स्थल है। दरभंगा के किले को रामबाग किले के नाम से भी जाना जाता है। यह किला बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है। इस किले परिसर में आपको सुंदर झील देखने के लिए मिलती है। किले में आपको बड़ी बड़ी दीवारें, दरवाजे, बुर्ज देखने के लिए मिलते हैं। इस किले के अंदर एक बाग है जिसे रामबाग कहा जाता है। किले के अंदर कंकाली देवी का मंदिर भी है। किले का निर्माण अधूरा है। यहाँ पर सिर्फ आपको दीवारें, बुर्ज, दरवाजे देखने के लिए मिलती है। किले के अंदर रहवासी लोगों की बस्तियां बन गई है। यह किला बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। किले के दीवार इस किले को घेरे हुए हैं। इस किले में प्रवेश के लिए जो दरवाजा है वह बहुत ही भव्य है। इस किले का निर्माण दरभंगा के महाराजा कमलेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। इस किले का निर्माण 1934 में करवाया गया था। किले का निर्माण लाल ईंटों से किया गया है। किले की दीवारें बहुत मोटी मोटी और किले में वॉच टावर बने हुए हैं। अब निगरानी विभाग के जिम्मे सर्टिफिकेट जांच नहीं करवाने वाले शिक्षकों की सूची। राज्य में निगरानी विभाग को अब उन शिक्षकों की सूची सौंपी गई है जिन नियोजित शिक्षकों ने सर्टिफिकेट जांच के लिए अभी तक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर अपने कागजात अपलोड नहीं किए थे। इस बात का आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने दिया। इस सूची को जिले के नामित निगरानी अधिकारियों को दी जाएगी ताकि वे इस मामले की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित कर सके। बता दें कि इस जांच को पटना हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है कि विजिलेंस टीम द्वारा साल 2006 से 2015 तक जो शिक्षक बहाल हुए थे उन शिक्षकों की जांच की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 25 जनवरी को शिक्षा विभाग के साथ निगरानी अधिकारियों की बैठक है। मनोज वाजपेयी ने बताए अपने एक्टिंग जर्नी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। मनोज वाजपेयी बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसी हस्ती बन चुके हैं जिन्हें भूलना आसान नहीं। हाल ही में एक यूट्यूब चैनल पर सयाजी शिंदे से अपनी एक्टिंग जर्नी की चर्चा में मनोज वाजपेयी के कुछ दिलचस्प किस्से सामने आए। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि वो काम की तलाश में रामगोपाल वर्मा के पास गए थे। रामगोपाल वर्मा ने उनसे पूछा कि उन्हें किसी फिल्म में काम किया है। इसके जवाब में उन्होंने जो किरदार बैडेंट क्वीन फिल्म में निभाया था उसके बारे में बताया
और कहा कि शायद आप मुझे नहीं पहचान पाएंगे क्योंकि इस फिल्म में मेरा किरदार नॉन स्पीकिंग का था। इस पर राम गोपाल वर्मा ने कहा कि तुम्हें ही मैं ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें लीड लेकर दूसरी फिल्म बनाऊंगा, पर उस वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी फिल्म नहीं पहली फिल्म में ही कोई भी किरदार देने की गुजारिश की। यह किरदार निभाने के लिए उन्हें 30,000 रुपए मिले थे। बिहार सरकार इन गृहविहीन लोगों को देगी जमीन। बिहार सरकार राज्य के हर वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं ला रही है जिससे हर तबके के लोगों का विकास हो सके। इन दिनों बिहार सरकार उन पिछड़े और दलित लोगों को जमीन खरीद कर बसाएगी जिनके पास घर नहीं है। इसके लिए व्यापक कार्य योजना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बनाए जा रहे हैं जिसके लिए 73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि इसमें लगभग 4 करोड़ रुपए TSP योजना के तहत गृहविहीनों के लिए वास भूमि पर, वहीं 66 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति परिवारों पर रैयत जमीन खरीदने के लिए और 3 करोड़ रुपए पिछड़े वर्ग के वासहीन परिवारों के गृह स्थल के लिए खर्च किए जाएंगे। डीएलएड में रिक्त सीटों पर स्पॉट एडमिशन के लिए मौका। वैसे विद्यार्थी जो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन उनका चयन किसी भी सूची या प्रथम स्पॉट नामांकन के तहत नहीं हो पाया है या किसी और कारण से एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो आपके पास डीएलएड में एडमिशन लेने की एक और मौका है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि अब वैसे छात्र जिनके द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं शुल्क ऑनलाइन जमा किया जा चुका था लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया, वे डीएलएड के रिक्त सीटों पर द्वितीय स्पॉट एडमिशन से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी समिति के पोर्टल पर जाकर संस्थान के अनुसार रिक्त सीटों की संख्या और जानकारी ले ले और फिर पोर्टल पर जाकर अपना बारकोड या रेफरेंस नंबर डालकर स्पॉट एडमिशन के लिए अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर ले। वहीं वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से आवेदन पत्र नहीं भरा है, वे ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन पत्र और निर्धारित शुल्क जमा करेंगे तथा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। इस महीने इतने दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। अखिल भारतीय बैंक द्वारा हड़ताल करने का आह्वान हुआ है जिसकी वजह 5 दिवसीय बैंकिंग सहित 6 सूत्री मांग बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार प्रबंधक के आश्वासन के बाद भी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने लंबित मांगों पर किसी भी तरह की सकारात्मक कार्यवाही नहीं की, इसलिए बैंकों द्वारा यह हड़ताल 30 से 31 जनवरी के बीच रहेगा, यानी 26 से 31 जनवरी तक महज एक दिन यानी 27 जनवरी को बैंक खुलेंगे। यदि आपको किसी भी तरह के बैंक कार्य हैं तो उसे जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह से पहले निपटा ले, नहीं तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करते 2 गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्कर रोज नए नए तरीके से शराब की तस्करी करते पकड़े जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला यूपी बिहार सीमा पर स्थित मांझी चेक पोस्ट का है जहां उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करते 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही 88 कार्टन शराब भी बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार शराब तस्कर की पहचान हरियाणा के भिवानी जिला के दुगना थाना क्षेत्र अंतर्गत वोंद गांव निवासी विक्की दीवान पिता सुभाष दीवान और झज्जर जिला के विरधाना निवासी मुकेश कुमार के पुत्र सुमित कुमार के रूप में की गई है जो शराब की खेप हरियाणा से मुजफ्फरपुर पहुंचा रहे थे। बिहार में बाढ़ के कहर को रोकने के लिए बनी विशेषज्ञ समिति। राज्य में बने विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जो उत्तर बिहार में बाढ़ को रोकने के उपाय सुझा सके। आपको बता दें कि इस समिति का गठन केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष आर के जैन की अध्यक्षता में की गई है। यह समिति 1984 से लेकर 2019 तक सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से उन क्षेत्रों का अध्ययन करेगी जो क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। ऐसे में इन क्षेत्रों की नदियों में आने वाले बाढ़ से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। जब बिहार के जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय जल आयोग के निर्देश पर अध्ययन किया तो पता चला कि मुजफ्फरपुर से जो आधा दर्जन नदियां गुजरती हैं उन्हीं के वजह से बाढ़ के दिनों में 4 महीने तक लोगों के रोजगार छिन जाते हैं और बच्चों के पढ़ाई भी बाधित हो जाते हैं, साथ ही साथ फसलों का भी काफी नुकसान होता है। पटना सहित 20 जिलों में कोल्ड अलर्ट, पड़ेगी कड़ाके की ठंड। पटना के साथ साथ राज्य के दक्षिणी हिस्सों में धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। बिहार की राजधानी समेत अन्य 21 जिलों में तेज धूप के कारण तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 13 दिनों से पटना के तापमान में सामान्य तापमान से 4 डिग्री की बढ़ोतरी रही। ऐसे में सर्द मौसम की वजह से लोगों को ठिठुरन से राहत मिली, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 2 दिनों में फिर से कड़ाके की ठंड पड़ सकती है।
अब बिहार में भी मिलेगी गोवा चेन्नई जैसी सुविधा। बिहार राज्य मानचित्र पर पर्यटन के मामले में एक उभरता राज्य बनता जा रहा है। झारखंड से अलग होने के बाद कई महत्वपूर्ण हिस्से झारखंड में चले गए थे। ऐसे में कहा जाता है कि बिहार में केवल बालू ही रह गया, लेकिन इन दिनों बिहार सरकार द्वारा राज्य को टूरिज्म फ्रेंडली बनाया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीते वर्ष लगभग 85 लाख लोग बिहार के पर्यटन स्थल आए थे, जिनमें विदेशी विदेशी दोनों ही पर्यटक शामिल थे। बिहार सरकार भी पर्यटन उद्योग को विकसित करने के लिए तत्पर है। बताते चले कि राज्य में इन दिनों ऐतिहासिक पर्यटन के साथ साथ धार्मिक और इको पर्यटन को भी जम के बढ़ावा दिया जा रहा है। कुष्ठ से बचाव को चलेगा विशेष पखवाड़ा। कुष्ठ रोगों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके, इसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से लेकर 13 फरवरी तक बिहार में कुष्ठ पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश भेज दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर 30 जनवरी को कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इसलिए उस दिन स्पर्श लेप्रोसी जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ पत्र में यह भी लिखा गया है कि 30 जनवरी को सभा का आयोजन करें और वहां मौजूद सभी लोग यह संकल्प लेंगे कि वे कुष्ठ रोग से ग्रसित किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। निबंधन में जबरदस्त वृद्धि, रिकॉर्ड टूटने की संभावना। फ्लैट, जमीन या अन्य दस्तावेजों के निबंधन को लेकर राज्य बिहार में जबरदस्त वृद्धि हुई है। ऐसे में नए रिकॉर्ड बनाने की संभावना निबंधन विभाग राजस्व को हो सकती है। बताते चले कि 5500 करोड़ का वित्तीय लक्ष्य है और इसमें 4922 करोड़ का राजस्व 13 जनवरी तक प्राप्त हो चुका है, यानी राजस्व का लगभग 90% का लक्ष्य 9 से 10 महीने में ही प्राप्त हो चुका है। लिहाजा मालूम हो कि वित्तीय वर्ष आने में अभी 2.5 महीने बचे हैं। ऐसे में पहली बार लगभग 6000 करोड़ का लक्ष्य निबंधन विभाग प्राप्त कर सकता है। वहीं पिछले वर्ष 5215 करोड़ रुपए प्राप्त होने का राजस्व रिकॉर्ड बना था। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के हर घर नल सर्वे से खुद को अलग करने की कही बात। जलापूर्ति सर्वेक्षण का काम केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में स्वच्छता सर्वेक्षण के तर्ज पर शुरू किया है। इसमें केंद्र सरकार सभी गांवों में पेयजल के सही स्थिति की रिपोर्ट तैयार कर सके, इसलिए पानी की शुद्धता को लेकर लाभुकों से फीडबैक ले रही है। सर्वेक्षण का काम पूरा होते ही राज्यों की रैंकिंग की जाएगी और जिस डीएम द्वारा काम अच्छा किया गया है उस डीएम को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बिहार सरकार ने खुद को सर्वेक्षण से अलग कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में केंद्र सरकार को बिहार सरकार द्वारा एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में यह कहा गया है कि बिहार को इस सर्वेक्षण से दूर रखा जाए, क्योंकि यहां हर घर नल योजना का काम लगभग पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रसिद्ध पहलवान भासो सिंह को दी श्रद्धांजलि। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर के पंडारक गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय भासो सिंह के तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही शोक संतप्त परिजनों को ढाढ़स दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह, विधायक नीलम देवी, MLC नीरज कुमार समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिन्होंने भासो सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के कार्यकर्ताओं से भी मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और साथ ही डीएम चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया गया था। मालूम हो कि प्रसिद्ध पहलवान स्वर्गीय भासु सिंह का निधन 5 जनवरी को हुआ था। राजीव रंजन के जेडीयू में वापसी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही ये बात। बीते दिन बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया। दरअसल बीजेपी पार्टी के मीडिया प्रभारी और उपाध्यक्ष रहे राजीव रंजन ने बीते दिन जेडीयू का दामन थाम लिया और बीजेपी से अलग हो गए। वहीं उनके जेडीयू में वापस आने पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि राजीव रंजन हमारे पुराने साथी हैं। उन्होंने कहा कि अपना घर अपना होता है। राजीव रंजन रास्ता भटक गए थे और सबसे बड़का झूठा पार्टी भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वह अपने घर वापस लौट आए हैं। उन्हें इस पार्टी में पूरा सम्मान दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव रंजन भाजपा में 2014 में शामिल हुए थे, जब महागठबंधन का निर्माण हुआ था। शिक्षा मंत्री के विवादित बोल पर चिराग पासवान का हमला। बीते दिन रविवार को लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर किए गए विवादित बयान को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस या कोई और भी ग्रंथ पर बहस नहीं हो सकती, भले ही शिक्षा मंत्री को उस पर विश्वास न हो पर बाकी लोगों को है। मुख्यमंत्री नीतीश भी बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला है तो अभी तक वो मंत्री क्यों है। इसका मतलब यही है कि मुख्यमंत्री भी शिक्षा मंत्री का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल शिक्षा मंत्री के खिलाफ बार बार विपक्ष की ओर से कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, इसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।
सुरक्षा में सिंध का आरोप लगाकर बरसे अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सुरक्षा में सिंध का आरोप लगाते हुए कहा है कि इन घटनाओं की जांच होनी चाहिए। जो गुंडे हैं, चाहे वह आज के गुंडे हो या कल के, चाहे ये घटना हो या वो घटना हो, ये पूरी तरह से सत्ता पोषित एक सफेद पोश दबंग के इशारे पर ये गुंडे किसानों को भी चोट लगाते हैं। उन्होंने कहा कि गुंडे सांसद और मंत्री पर भी हिम्मत कर सकते हैं, तो आम लोग जनता कैसे इनसे बच सकते हैं। दरअसल अश्विनी चौबे का आरोप है कि जब वे बक्सर में अम्बेडकर चौक पर मौन व्रत कर बैठे थे, उस दौरान भीम आर्मी के युवाओं के द्वारा उन पर हमला कर दिया गया, उन पर डंडा भी चलाया गया। हालांकि इस दौरान उन्हें किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम मौन व्रत पर थे, तो इस बात की जानकारी सभी को थी, फिर भी मेरी सुरक्षा में चूक हुई। इसका मतलब यही है कि सरकार और प्रशासन को उनकी सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। कलकत्ता में 1759 को पहली बार सुनियोजित घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। 1955 में खड़गवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी का पुणे में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। 2003 में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर भारतीय मूल की कल्पना चावला रवाना हुई। क्रिकेट में उत्तर प्रदेश को 2009 में हराकर मुंबई ने रिकॉर्ड 38वीं बार रणजी चैंपियनशिप जीती। 1946 को अभिनेता कबीर बेदी का जन्म हुआ। 1927 को हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा टीवी कलाकार कामनी कौशल का जन्म हुआ। 1926 को प्रसिद्ध संगीतकार ओपी नैयर का जन्म हुआ। 1630 को सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय का जन्म हुआ। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक राष्ट्रपति महादेव गोविंद रनाडे की 1901 में मृत्यु हुई। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की 1938 में मृत्यु हुई। प्रक्षयवादी युग के महत्वपूर्ण कवि राम नरेश त्रिपाठी की 1962 में मृत्यु हुई। वायल खबर में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड धारकों को लोन मुहैया कराने के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड धारकों को लोन मुहैया कराने के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 का लोन मुहैया करा रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है या जालसाजी का एक प्रयत्न हो सकता है। अपनी व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। एक क्लिक पर वोटर आईडी होगा आपके फोन में। अगर आप भारत के नागरिक हैं और 18 साल की उम्र को पार कर चुके हैं, तो अब तक आपके पास वोटर आईडी कार्ड आ चुका होगा। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप वोटर आईडी को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में कोई भी वेब ब्राउजर खोले। अब डिजिटल वोटर आईडी प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in.epic पर जाए। इसके बाद डाउनलोड ई एपिक विकल्प पर टैप करें। अब वेब पेज के टॉप पर उपलब्ध ई एपिक डाउनलोड बटन दबाएं। फिर अगर आप मौजूदा यूजर हैं तो अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें, यदि नहीं तो फोन नंबर के साथ खुद को रजिस्टर करें। जब आप पोर्टल में जाएंगे तो डाउनलोड ई एपिक लिंक पर टैप करें और अपना ईपीआईसी नंबर टाइप करें, जो आपके मतदाता पहचान पत्र पर छपी 10 अंकों की यूनिक कोड है। अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित अपने विवरण वेरीफाई करें। उसके बाद ओटीपी का उपयोग करके अपने मोबाइल फोन नंबर को मान्य करें और अपने स्मार्टफोन पर डिजिटल वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड ईईपीआईसी पर क्लिक करें। आपकी डिजिटल वोटर आईडी आपके मोबाइल फोन पर एक अनएडिटेड पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड की जाएगी। ललन सिंह ने बीजेपी के हिम्मत को नीतीश के हिम्मत के सामने दिखाया छोटा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी हिम्मत को नीतीश कुमार की हिम्मत के सामने छोटा बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी भी नेता में इतना साहस नहीं है कि वह जनता को बता सके कि उन्होंने पिछले 8 सालों में क्या किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं विफल हो गई है, वे सभी बस सुबह से शाम तक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने जो हिम्मत दिखाई थी, क्या वो हिम्मत नरेंद्र मोदी दिखा सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली नहीं देंगे तो वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह साहस नहीं है कि वे बोले कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे तारिक अनवर के बारे में। तारिक अनवर का जन्म आज ही के दिन 1951 में हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी के सदस्य के रूप में एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 2012 और 2014 के बीच कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। अनवर 3 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संसद के सदस्य रहे। लोकसभा के लिए 5 बार निचले सदन कटिहार से और 2 बार उच्च सदन महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 1999
2019 में पार्टी के राष्ट्रपति पद के विवाद को लेकर कांग्रेस छोड़ दी और 19 साल बाद इस्तीफा देने और 2018 में कांग्रेस में फिर से शामिल होने से पहले शरद पवार और पी एस संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। अनवर को चुनावी केरल के प्रभारी महासचिव और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य दोनों के रूप में नियुक्त किया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आशीष अकर्स, नुसरत बनो, नवीन ओम कुमार, कुंदन भदानी, गौतम राम, अनवर करीम खान, अमन कुमार महतो, कुमारी संजना, नुन्नू गोलू कुमार, अभिषेक कुमार रॉय, कुश कुमार यादव, रूपेश कुमार, शंकर मुखिया, रविशंकर, असरफी मंडल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड की क्या स्थिति है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।